अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो कुछ न्यू विंटर ड्रेसेस स्टिच की हैं, ये जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये पहला ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सना सफीनास का है। ये इस तरह से लिनन फैब्रिक में, ये देखिए, ये इसका कार्ड है और ये इस तरह से इसमें लॉन्ग शर्ट बनी हुई है। बाकी मैंने इसको थोड़ा किस तरह से स्टिच किया है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। तो ये देखिए, ये ड्रेस जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, ये इस तरह से बहुत खूबसूरत, इसका कलर भी और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। ब्लैक एंड ब्लू के साथ है और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जो है ना गोल्डन ब्राउन कलर है। ये नेकलाइन इसका पैच करवाया है, ये एम्ब्रॉयडर्ड इसके साथ नेकलाइन दिया हुआ था। तो ये इस तरह से इसके ऊपर पैच करवाया है मैंने, सेम इसी तरह से इसके अंदर कलर थे, इसी शेप का ये नेकलाइन बना हुआ था तो मैंने इसी शेप में इसका नेक बनाया है। और यहाँ पे जो है इसमें मैंने ये पर्ल्स लगा दिए हैं, क्योंकि ये इसका स्लिट सा जो था ना वो बहुत छोटा आ रहा था, तो फिर उसको कवर करने के लिए मैंने उस पर इस तरह से ये तीन तीन पर्ल्स लगा दिए हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इस पे मजीद भी कुछ लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों की मतलब लाइट सी उसके ऊपर डिसेंट डिजाइनिंग जो है ज्यादा डिसेंट लगती है, तो ये नेकलाइन इस तरह से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है कि इसके ऊपर ब्रोच या बटन लगाए जाते। बाकी इसका प्रिंट देख लीजिए, बहुत खूबसूरत इसका प्रिंट है, प्रिंट का डिजाइन बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, इस तरह से पैनल स्टाइल का है यहाँ पे, और ये ऊपर इसमें ना यहाँ पे ये इसके कमर वाली जगह पे ये इस तरह से इसमें कैरीज बने हुए, ये देखिए इस तरह से। बेस इसकी ब्लैक कलर में और ये एंड से इस तरह से यहां तक था। ये इसका बॉर्डर था इसके नीचे, तो देखिए मैंने बॉर्डर को इस तरह से डिजाइन किया है कि जैसे बॉर्डर्स के अंदर ये ट्रायंगल्स बनी हुई थी, मैंने स्ट्रेट बॉर्डर नहीं यूज किया, उसी ट्रायंगल्स के ना, ये देखिए नीचे मैंने इसी के अंदर ट्राउजर के साथ का फैब्रिक लगा के ये ट्रायंगल्स इसी तरह से ना एज इट इज इसमें निकाली है। ये कपड़े के अंदर ही है, इसकी अलग से नहीं बनी हुई, ये इसी कपड़े का प्रिंट इसी तरह से था, उसी प्रिंट को मैंने फॉलो किया और उसी के साथ जो है ना आप यहाँ पे इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये इसका दामन जो है जरा डिफरेंट भी लग रहा है और डिसेंट सा भी है। स्ट्रेट आप बॉर्डर जोड़ने की बजाय ना इसको इस तरह से डिजाइन कर लें, ये देखिए इस तरह से। बैक साइड देखिए इसकी, बैक साइड से भी इसका प्रिंट जो है, फ्रंट और बैक का इसका डिजाइन जो है ना सेम ही है। ये देखिए बैक साइड से इस तरह से, बैक साइड से ये प्लेन है, ऊपर से फ्रंट पे यहाँ पे नेक आ गया था, तो ये बैक साइड से इस तरह पैनल्स हैं और ये इस तरह से ये इसका बॉर्डर का लुक था। ये देखिए बैक साइड पे मैंने एज इट इज बॉर्डर ज्वाइंट किया, चौक इसके सादा रखे हैं और ये देखिए इस तरह से बैक साइड का डिजाइन भी। बाजू मैंने इस तरह से बनाए हैं, इसके बाजू का भी प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए बाजू का इस तरह से प्रिंट है इसका, बाजू के ऊपर भी ब्लैक बेस के साथ ऊपर ब्लू कलर का प्रिंट हुआ हुआ है। आगे ये बॉर्डर को मैंने कफ की तरह ज्वाइंट किया है, ये डबल लिया हुआ है मैंने कपड़ा कफ की तरह ज्वाइंट करके, तो ये धागे के टसल से थे जो मैंने इसके यहाँ पे ब्लैक कलर के अटैच किए, यहाँ इसके अंदर की तरफ रख के मैंने ये धागे के टसल्स हैं जो मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं, तो थोड़े बाजू की डिजाइनिंग डिफरेंट होगी। फुल बाजू है, ये कुर्ता बाजू है और आगे से इसकी ओपनिंग 5 इंच है और लेंथ इसकी जो है वो 21 इंच मैंने ली है। ये देखिए इस तरह से, ये दोबारा से देख लीजिए, नेकलाइन भी इसका बड़ा स्मार्ट लग रहा है। इसके साथ मैंने प्लेन सिंपल ट्राउजर स्टिच किए, स्लिम पंचे के साथ है। ये देखिए ट्राउजर की शेप भी इस तरह से, ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ईजी वे के साथ मैंने बताया हुआ है। 6 इंच पंचा है इसका और तुरपाई किया हुआ है, ऊपर से इसके साथ इलास्टिक है, आप चाहें तो इसमें बेल्ट भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ दुपट्टा जो है वो भी लिनन में है, ये सारा फैब्रिक लिनन में है। दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसका दुपट्टा है, इसकी फिनिशिंग मैंने इस तरह से की है, इसी के अंदर ये फैशन पट्टी स्टाइल में कर दी है और बाकी से इसका दुपट्टा जो है इस तरह से प्रिंट है। दोनों साइड इसका बॉर्डर है और सेंटर से जो है ना ये ब्लू कलर के साथ प्लेन है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये इसके दुपट्टे का भी लुक, ये ओवरऑल इस ड्रेस की लुक है। नेक्स्ट ड्रेस जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो भी ऐसे धनक फैब्रिक में, आप उसको कह सकते हैं, मतलब ये लिलन और मिक्स सा थोड़ा सा रेशमी कपड़ा होता है।
ये इस तरह से मैंने फ्रॉक स्टिच की है, ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसमें फैब्रिक को इस तरह से अरेंज किया कि मैंने जो इसकी योक बनाई है ना, बॉडी जो बनाई है ऊपर, इसमें ये प्रिंट मैंने ऐसे लंबाई में जो इसकी लेंथ है उसी हिसाब से लिया है, लेकिन जो घेरा मैंने बनाया है उसमें ये मैंने आड़ा लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो ये ओवरऑल प्रिंट पे था, नेकलाइन मैंने इसका इस तरह से बनाया है, ये देखिए ऊपर से अनरखा स्टाइल में है लेकिन बैंड के साथ है, ये देखिए इसको पाइपिंग की है सारी साइड पे, और यहाँ पे मैंने एक सिंपल बस टसल लगा दिया इसको, ये बड़ा डिसेंट सा नेक की लुक आ रही है, ये देखिए इस तरह से है, और ये पूरी योक में यहाँ तक ही मैंने इसकी इसकी पाइपिंग रखी है, नीचे तक नहीं लेके गई यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसकी नोक आती है वहां पे मैंने इसका टसल लगा दिया, ये देखें नीचे से इसका दामन भी बड़ा अच्छा बना हुआ है काफी इससे। ये आपका जो है ना, इसीलिए ये वाला फ्रॉक स्टाइल जो है आपका बन जाता है एक ढाई मीटर जो कपड़ा होता है उसके अंदर। यहाँ पे प्लेन टसल लगाया है, और यहाँ पे मैंने इसमें हाथ की प्लेट्स दी हैं एक एक इंच की, ये देखिए इस तरह से, हाफ प्लेट्स का रुख इस तरफ से और हाफ का इस तरफ से, आप एक रुख पे भी लगा सकते हैं। एंड की फिनिशिंग मैंने इस तरह से की है, इसमें ये एक लैस लगाई है, शटल लैस ही मैंने इसमें यूज की है, ये लैस इस तरह से एक रिंग बना हुआ है और बीच में एक ट्रायंगल बनी हुई है। बैक साइड से देखिए, बैक साइड पे भी मैंने योक उसी तरह लंबाई में ली है, और जो मैंने इसकी दामन लिया है वो मैंने इसमें आड़ी लाइंस में लिया है, बाजू मैंने इसके थोड़े से लूज बनाए हैं, ये देखें कुर्ता बाजू ही है लेकिन उससे भी थोड़े से लूज है, इसकी 6 इंच ओपनिंग है, और आगे से मैंने इसके अंदर भी ये लैस यूज की है, लेकिन बाजू के अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी लैस निकाली है, दामन में मैंने पूरी लैस यूज की थी, ये देखिए दोबारा से, ये देखिए इस तरह से है। ट्राउजर मैंने इसके साथ स्टिच किया है, सिंपल ट्राउजर सेम ही है, ये ओवरऑल प्रिंट पे था, सेम मैंने सिंपल इसके साथ ट्राउजर स्टिच किया, और ट्राउजर में लाइंस मैंने लंबाई में ली है, और ट्राउजर का पांचा मैंने जो है 6.5 इंच लिया है, ऊपर से इलास्टिक के साथ स्टिच किया, ये देखिए इस तरह से। तो ये थे मेरे आज के ड्रेसेस डिजाइन, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।